कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था का द्वारका में वार्षिक महोत्सव व महायज्ञ का हुआ आयोजन। द्वारका सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था द्वारा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें द्वारका और द्वारका के आसपास रहने वाले तमाम कश्मीरी पंडितों ने अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष जवाहर टिक्कू ने कहा कि वो भले ही अपने घर से विस्थापित हो गए हैं, लेकिन उनका मकसद है कि अपने कल्चर को जिंदा रखें और आने वाली पीढ़ी को अपने कल्चर के बारे में बताएं। वहीं महायज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्थापना दिवस पर समाज के कल्याण हेतु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और वो दुआ करते हैं कि पूरे समाज में सुख और शांति बनी रहे। इस मौके पर कश्यप बंधु नाम का बुकलेट भी लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में प्रेसिडेंट जवाहर टिक्कू, जनरल सेक्रेटरी संदीप गंजू, प्रोफेसर बीएम टिक्कू, अजय रफीक, मिस उषा जलपुरी, बुकलेट के कंपाइलर अवतार नेहरू के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। द्वारका दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ये हम हर साल अरेंज करते हैं यहाँ द्वारका में, और इसका एक ही मैसेज है कि पीस फॉर ऑल द होल ओवर द वर्ल्ड फॉर एवरीबडी इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन क्रीड कास्ट। हम लोग ये यज्ञ करते हैं ताकि सर्वधर्म स्वभाव रहे और साथ के साथ हर जगह खुशी रहे। ये इस यज्ञ का पर्पज़ होता है जिसके लिए हम जमा होते हैं और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस देते हैं, लेबर के रूप में, फाइनेंस के रूप में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और अराउंड फाउंडेशन डे, कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था की जो फाउंडेशन डे है, उसी वीक के अराउंड हम ये कोशिश करते हैं कि ये कल्चरल प्रोग्राम भी है और ये हवन भी है, और सारी बिरादरी को मिल करके यहाँ पर जमा करते हैं ताकि एक अच्छा कार्य हो सके। ये ही हमारी इसमें मेन कंट्रीब्यूशन। देखिए, डिस्पाइट के हम वहाँ से अपने होम टाउन से इतनी दूर आए हैं, बट हम अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर रिचुअल्स को मेंटेन करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। यंगर जनरेशन्स जो हमारी है, हम चाहते हैं कि वो अपने जो संस्कार है, हमारे रिचुअल्स जो है उनको मेंटेन करके रखें। और जो ये यज्ञ हो रहा है, ये फॉर द कम्युनिटी हो रहा है, फॉर गुडनेस, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द पीपल। थैंक यू। क्या कह रहे हैं? देश की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये टुगेदरनेस, कोहिजनस, इसको मेंटेन किया जाए ताकि जो अभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सब दूर हो के सभी एक साथ एक ही जो है एक डायरेक्शन में चलें, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस हो। ये हम इसलिए संदेश देते हैं, जो हम कश्मीर से विस्थापित हो गए, हम उसके लिए कह रहे हैं कि जो हमारा कश्मीरी कम्युनिटी है वो कायम रहे। हम अपनी कश्मीरी पंडितों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि हमारी अगली जनरेशन जो है वो ऐसा, मतलब जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, वो आगे ये चीज़ करें, इसको कायम रखें। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से हम यहाँ पूरे केपीएच समाज, जो कश्मीरी पंडित हितकारी संस्था है, ये हमने द्वारका में करीब 7 साल पहले बनाई थी, और उसका जो एनुअल डे है, जब स्थापना दिवस था, उसके अवसर पे हम एक महायज्ञ करते हैं, पूरी कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं, और जो हमारे संस्कार हैं, इन संस्कारों को हम अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कितने लोग आए हैं, सब अपने सारे काम छोड़ के इस हवन में आहुति देने के लिए आते हैं। और जो हवन है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे संस्कारों में जैसी बताई गई है कि पूरी शुद्धि होती है, हम सबसे पहले अपनी शुद्धि करते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और अपने वातावरण की शुद्धि करते हैं। इस शुद्धि से हम सबका इसके साथ भला भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर आदमी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना,
इसी मंत्र को लेके हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उनके वेदों के आधार पर जितनी रीतियां हैं बिल्कुल रीति पूर्वक हम उसको श्रद्धा से सारे लोग करते हैं। और वैसे इस संस्था में हम और भी कार्यक्रम करते हैं, हमारा बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है, लेडीज़ के लिए प्रोग्राम होता है, जो हमारे कल्चर है उस कल्चर को हम अपने पीढ़ियों तक जिंदा रखना चाहते हैं। हम विस्थापित हो गए लेकिन इस चीज़ को हमने रिचुअल्स को नहीं छोड़ा। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हमारे बच्चों को जनरेशन्स को जाना चाहिए और इससे हमारे समाज में एकता भी आती है। और हमारा समाज सब जगह आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जब से माइग्रेशन हुआ पूरे वर्ल्ड में हर जगह पहुँच गए और हम यही आशा करते हैं कि हमारी जनरेशन्स अपने रिचुअल्स को फॉलो करते रहें। धन्यवाद। मैं हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीरी विस्थापित तो हो गई कश्मीर से, वहाँ ये ऐसे रिचुअल्स हर हफ्ते हर महीने चलते थे लेकिन यहाँ संभव नहीं है, इसलिए हम ये एक साल में एक बार करते हैं। हमारे बच्चों को किस तरह से पता चलेगा हमारे कल्चर के बारे में, इसलिए हम इसको करते हैं। इसमें सारी कम्युनिटी को बुलाते हैं। यज्ञ जो है वो बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है जिससे जो हमारे में कुरीतियाँ हैं विचार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम ये करते हैं। इसमें पूरी 3 दिन का ये होता है, एक दिन तो हम शुरू करते हैं, दूसरे दिन उसकी पूर्ण आहुति होती है और फिर इसका निपटारा वो होता है। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह चलता है। इसमें सारी कम्युनिटी को हम बुलाते हैं, खाना हो जाता है, प्रसाद हो जाता है, दैट इज ऑल। मेरा नाम डॉक्टर जवाहर तिकू है, मैं भारत सिद्ध प्रधान इस वक्त काम कर रहा हूँ, इधर अपनी सेवा दे रहा हूँ। हम पिछले 8 साल से यहाँ पर हर वर्ष ये यज्ञ रचाते हैं। ये यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए, जगत कल्याण के लिए ये हर साल हम यज्ञ मनाते हैं। इसमें हमारे सब कश्मीरी भाई, कश्मीरी पंडित, विश्वस्थापित कश्मीरी पंडित सब आते हैं इधर और इसमें अपना योगदान देते हैं, अपनी आहुति देते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं और इस योगदान से ये हमारी संस्था चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये संस्था बढ़ रही है और जुड़ रही है। तो हमारा अच्छा कार्यक्रम होता है, हम बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, दूसरे प्रोग्राम भी करते हैं, जंगत्रे प्रोग्राम एक हमारा होता है, वो भी एक प्रोग्राम होता है, लेकिन ये वार्षिक ये सबसे उत्तम होता है। इसमें हम जगत कल्याण के लिए ये हर साल ये मनाते हैं, यही मुझे कहना है। थैंक यू।